और भाई कैसे हो? बहुत बुरी। क्यों? गर्लफ्रेंड भाग गई यार। यार तुम लोग तो कह रहे थे स्मार्ट लग रहा। हे गाइस, कैसे हो आप सभी लोग एंड वेलकम बैक टू माय ब्लॉग। तो दोस्तों देखो, आज के सीन कुछ ऐसे हैं। आज मैं जा रहा हूँ बाल कटाने। मैंने 2 महीने पहले बाल कटाए थे, जब मेरा फर्स्ट ब्लॉग आया था शायद मैंने तब बाल कटाए थे, शायद देखना पड़ेगा, मुझे याद नहीं, शायद तभी कटाए थे। तो आज मैं जा रहा हूँ बाल कटाने 2 महीने बाद, और देखते हैं क्या सीन है, बाल कैसे कटेंगे। मेरे दोस्त लोग भी जा रहे हैं, तो अभी जाते हैं पहले बंटी के यहाँ। बंटी को उठाएंगे उसके घर से और फिर जाएंगे बाल कटाने की दुकान पे। तो मिलते हैं आपको बंटी के घर के बाहर। लेट्स गो। गर्मी है यार। गर्मी तो हुई थी, वो शायद निकल गया डायरेक्ट। मुझे लगा वो इधर होंगे, वो लोग निकल गया घर होंगे, मुझे लगा तेरे घर आए होंगे पहले वो। पर मैं तो पीछे से आया ना, वो तीनों शायद एक साथ निकल गए, डायरेक्ट गए वो लोग। हैं उनकी गाड़ी का है नहीं क्या? पता नहीं यार, कॉल करूं कुछ कहा है गाड़ी का है। बॉजी को सामान देता यार उसे। अच्छा तो आ गए हम म्यूटेंट एकेडमी के पास आ गए। और भैया कैसे हो? बढ़िया। ओके ओके। और भैया क्या हाल है? हेलो, कैसे हो? बढ़िया, आप बताओ। बाल कटा ले है ना, अभी आ रहा हूँ, बस थोड़ा ब्लॉक कर लूँ। और भैया कैसे हो? बहुत अच्छा। बहुत अच्छे हो? बढ़िया बढ़िया। और भाई साहब क्या हाल चाल? बना बताए कि इसे क्लीन शेप करना चाहिए कि नहीं? भाई मस्त है, मस्त है ना। चीजी बता करना चाहिए नहीं करना चाहिए? करना चाहिए भाई, देख ले भाई, उसी में तो हंसी का पात्र मिल जाएगा। अरे हंसी की बात नहीं है ना, अब स्मार्ट लेगा। अबे नहीं, अबे भैया ने उस दिन बोला था कि यहाँ पर जितने भी ना सारे सिलेक्टेड नहीं है। और ना भैया ने यही बोला था कि अब तू परमानेंट कस्टमर है। अब देख ऐसा होता है ना कि मैं बताता हूँ भाई, देखो जैसे आप सलून में आए तो आपने जिनसे एक बार कटवाया उनसे ही कटवाओगे, पर आज मान लो एक नया दोस्त आया तो उनके लिए एक न्यू हेयर हेयर बार्बर है, तो आज वो उनसे कटवाएंगे तो हर बार वो उससे कटवाएगा। ये बात होती है। तो जैसे देखो एमिनम है, एमिनम भी यहीं से कटवाता है बाल। चला गया एमिनम तो? हैं? एमिनम तो अपने वापस देश चला गया। देश कौन सा देश है उसका? न्यूजीलैंड। अमेरिका में रहता था वो? खेती आएगा फिर आज? बस कट, बस कट भाई, पेट करूंगा यार इसके, बस कट कर देना, क्लीन शेव कर देना इसकी। मत करना यार, छेड़ छाड़ करने की आदत है। जब आप शेप कराते हो ना तो जब वो लगता है ना तो कहाँ तक लगता है वो? इतना लगता है ना, इतना लगता है ना, सामने देखो अब। अबे ब्लीच कर रहे हो जिससे टैनिंग हट जाती है। वही तो मैं कह रहा हूँ। सब हैंडसम बन चुके हैं। इन जस्ट 150 रुपीस। और एक भाई क्या भी हेड वॉश हो रहा है। ये मेरी कदम इसका नाम लिस्ट में आया। वो मैं शॉपिंग पहुंच ही कर रहा है। हां दिमाग नहीं आया ना मैंने। अब
अगली बारी। मैं तो आया था पिछले महीने बाल कटाने, पर आप सही नहीं, फिर मैंने कटाया नहीं, मैं चले गया था घर। अब आया था मैं। बाल कट चुके हैं गाइस, भैया ने हमारे बढ़िया बाल करके बाल काट दिया, फेडिंग चेक करो क्या बढ़िया किया। सेटिस्फाइड, थैंक यू भैया हर बार काटने के लिए। अब तेरी बारी आने वाली या ऐसी ऐसी चल रहे, मैं छोड़ना क्या कटा है? बस कट लगा रहा हूँ, बस करा ले है ना। भाई अपने भाई के बाल देख के क्यों हंस रहा भाई? नहीं भाई, अपने कटाए नहीं, अब ले ले शॉर्ट पिक्चर से। मत करना है मुझे, मत ले गए बाल। अबे क्यों ना लूं पीछे से, ले ले शॉर्ट पिक्चर से। बस ये ऐसे रखवा ले। और भैया कैसे हो आप? बहुत अच्छा। और लाइफ कैसे चल रही? बहुत बुरी। क्यों? गर्लफ्रेंड भाग गई यार। गर्लफ्रेंड चल गई? और सगाई और हो गई। सगाई हुई गर्लफ्रेंड की? तो आप कैसे 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 कर रहे हो फिर आप? दूसरी बनाएंगे। दूसरी बनाओगे? शादी में पहुंच जाते हैं ना उसकी? शादी में नहीं जाना। खाना खा के आते हैं ना, सबको ले जाते हैं यहाँ पर जितने भी हैं, है ना? शादी है नहीं ना अभी। भैया की गर्लफ्रेंड की शादी हो गई, सगाई हो गई, तो मैंने बोला भैया सबको ले जाते हैं यहाँ पर जितने भी हैं। भैया के साथ? इन वाले भैया के साथ नहीं, भाग गई वो किसी के साथ। अरे वो भैया की गर्लफ्रेंड थी ना, शादी है? नहीं अच्छा। उनकी वो गर्लफ्रेंड भाग गई तो शादी होगी। भैया नहीं जा रहे ना, मैंने बोला भैया चल लो खा पी के भेज देंगे। नोच बन गई यार, पता नहीं यार गाइस, मुझे ऐसा लग रहा है कि आज चीची ने अपनी लाइफ का फर्स्ट डिसीजन लिया है, मतलब लाइक बस कट करा के। अभी नहीं, स्मार्ट तो है, देखो स्मार्ट है, स्मार्ट रहेगा, पर बस नहीं, यहाँ व्हाट्सएप लिखवा लेगा, इंस्टाग्राम, यहाँ पर क्यूआर कोड है मात्र पीछे। तो यार मतलब क्या बताऊँ यार, मुझे ऐसा लग रहा है ना, आईफोन है किसी पे? जो मेरे व्यूअर्स पर आईफोन है वो समझ जाएंगे कि मैं आईफोन की नॉच क्यों बोल रहा हूँ। अभी दिखाऊंगा, भैया अब लग रहेगा बढ़िया। थैंक यू भैया। वर्मा हंस क्यों रहा तू? हंस क्यों रहा चीची पे? इधर देख के वो भाई स्मार्ट लग रहा है जी। कब नहीं कराएगा तू बस कट करना कभी? वो कोमा में चली गई क्या? क्या यार तू फिर भी हंस रहा है यार उसमें? चल साले बोल आने वाली इसकी नॉच से पागल है क्या? नॉच से कॉल आने वाली।
ओके भैया फिर निकलते हैं। वेलकम भैया, चलो ठीक है भैया बाय। तो गाइस निकलते हैं अभी घर की तरफ। घर की तरफ क्या कुछ खाने पीने चलते हैं, क्योंकि दिन का टाइम हो चुका है, क्योंकि अभी बच चुके हैं आपके 3 के करीब। हम 1 बजे आए थे, हमें 2 घंटा लग गए, 5 बंदे भी थे वैसे बाल कटाने वाले, तो अभी सब रेडी हो चुके हैं। बाल कटा के देखो देखो मैं तो आलू पराठे खाते हैं ना, यहाँ कहाँ मिलेगा देखना पड़ेगा। लाइट में जाती है दिखाओ, अच्छे दिखाओ नहीं, शर्म आती है। देखो जैसा कि हमने आपको बताया था, बंटी बिल्कुल एग्जैक्टली सेम लग रहा है ये, और भाई ये बॉय सेम, कुछ फर्क ही नहीं। भाई है क्या तेरा जुड़वा, ये तू ही है? नहीं हूं। अबे भाई शिट, भाई ऐसे बाल करवाने थे यार। कैसे ये अबे चीची कर रही हो? अभी तो हम यहाँ से फेड करवाते हैं, यहाँ छोड़ते हैं ना, यहाँ से फेड और यहाँ छोड़ दूंगा। अबे ये भाई बहुत सही लगेगा, फिर ऐसे करूंगा। यार तुम लोग तो कह रहे थे स्मार्ट लग रहा हूँ। मैं स्मार्ट ही तो लग रहा है, चुम्मी ले लेना अपनी। दो चीटी भाई, सेल्फ लव छीन ही होता, और जो शीशे में जम्स होंगे वो तो दोस्तों देखो, मैंने जैसे बोला था हम खाने जाएंगे बाहर, तो हम गए नहीं, डैड घर आए, घर पे खाना बनाया और घर का खाना खा रहे हैं। और आज हमने बनाया चिकन चावल, रायता और प्याज। देखो चिकन चावल, रायता, प्याज और लंडो की डाइट पूरी करा रहे हैं हम। माउंटेन ड्यू भी हम पे, वैसे तो हम थोड़ा बहुत ही खाते हैं, अगर तो आप हमें इनवाइट करोगे हम थोड़ा सा ही खाएंगे। थोड़ा ही यार, ये तो है ना कम है, थोड़ा थोड़ा तो और हो जाता तो मजा आ जाता, वैसे कम पड़ गया थोड़ा। चलो ठीक है गाइस बाय, आराम से घर जाना। ठाक 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 टू नू नू तो दोस्तों आज के ब्लॉग में इतना ही। अगर आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा तो इस ब्लॉग को कर देना लाइक, मेरे चैनल को कर देना सब्सक्राइब। मिलते जल्दी आपसे एक नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।